खबर एजेंसी से नकल मकानी करने वाले हजारों अफराद जलोजी कैम्प में सर्द मौसम की शिद्दत को बेसर सामान की हालत में सहने पर मजबूर हैं। कैम्प में अकाखेल, मलकदीन खेल और सुरखेल के बगैर अफराद रजिस्ट्रेशन न होने पर इंतजाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुतासरीन के मुताबिक अभी तक इनकी कोई दादरसी नहीं की गयी। जो जो इंदराज हो रहे और उनको खेमे मिल जाए और उनको पैकेज साथ साथ मिल जाए, क्योंकि लोग यहाँ भूखे और नंगे बैठे हुए। पहले बात तो इंदराज खोलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग तले आसमान के नीचे बैठे हैं, न खेमा न कुछ न कुछ, इनको इंदराज खोलना चाहिए। जलोजी के में 20 जनवरी से रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू किया गया है। इंतजामिया के मुताबिक अब तक शलोबर और बर कमर खेल के 1603 खानदानों का इंदराज किया जा चुका है, जिन्हें बैन अवी इदारों के तमाम से इमदाद फराहम की जा रही है। हम लिस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन हो रही है और उसके साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन हो रही है। नकली मकानी करने वालों में अक्सरियत बच्चों की है। कसमपुरसी की हालत में मौजूद मुतासरी खैबर एजेंसी के लिए सख्त सर्दी में अपने बच्चों के लिए बुनियादी जरूरियात की फराहमी बहुत बड़ा मसला है। जलजोई में ऑपरेशन से मुतासर होकर बेघर होने वाले अफराद का कहना है कि पहले तकसीस इनके रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करके इन्हें फौरी इमदाद दी जाए। कैमरामैन असद अली के साथ मुसरतुल्ला, दुनिया न्यूज़, जलजोई, नौशहरा।